तमाम सम्मानित बुजुर्ग और छोटे बच्चे। फिर वही बात है, एक ही शब्द है मेरा भाई सोनू बाली की तरफ से, सारे ना राम राम। तो भाई इस गुड़िया ने देख के ना तुम बहुत भी मैं सीख सको, क्योंकि इसके पास में किस चीज का अभाव नहीं रहा होगा, क्योंकि आर्थिक हालात का सभी ना पता है इस गुड़िया के जितने भी सक्षम रहे हैं, लेकिन उन सभी का ऊपर उठ के ना इसकी वो चीज करने की कोशिश करी है। शायद हर चीज वो उपलब्ध होते हुए भी वो बच्चे नहीं कर पाते, लेकिन इसका कहीं ना कहीं मन में लगन थी और दिन रात मेहनत। या अकेली लड़की है जो यह अचीवमेंट प्राप्त करी है, बहुत सारी लड़कियां हैं जो कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन शायद इस लेवल तक वो नहीं पहुंच पाई, कोई ना कोई कारण रहे हैं, पारिवारिक भी हो चुके हैं या कुछ और कारण भी रहे होंगे। इसके लिए सिर्फ लड़की ही जिम्मेवार नहीं है, समाज भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है कि उसका पैर ना पाछे खींचने की कोशिश करे। हमारे जो चाचे ताऊ हैं दादे हैं उनसे भी मैं जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा सा उन पर भरोसा करें, भरोसा करके ना जो अपने कोच साहब हैं उन पर भी भरोसा जरूर करें कि वो कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा ही करेंगे। वो भी आपके परिवार के सदस्य हैं और अपने जो बालक हैं, चाहे छोरा है चाहे छोरी है, आप उनकी ग्राउंड पे जरूर भेजो, क्योंकि रेड़ा गांव का अगर एक ही आंसू उठा के देखोगे तो आपने उनमें इतने दिग्गज दिग्गज खिलाड़ी देखने मिलेंगे, इतने तगड़े जबरदस्त उनके रिकॉर्ड रहे हैं, शायद ही कोई गांव सोच सका है कि उस लेवल तक पहुंचा जा सका है, लेकिन रेड़ा गांव ने सारी अचीवमेंट प्राप्त करी है। तो गुड़िया की इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करी और हम उम्मीद करांगे कि आगे चल के भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन करें, और धन्यवाद करूंगा उन कोच साहब का भी जिसकी इतनी अच्छी शिक्षा दी है। और मन खुशी हो रहा है कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी तो नहीं बन सकिया लेकिन मैं शिष्य रहा हूँ कोच साहब का, जिसकी मार्ग सिखाया था, लेकिन अच्छे संस्कार जरूर दे। मैं दादा का भी धन्यवाद करूंगा कि उनकी मेरा सम्मान करया और मेरे को इस लायक समझा, लेकिन मैं इस सम्मान थी दादा तो इतना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं इस लायक समझा और मेरा तो 2 मिनट बोलने का मौका भी दिया गया। तो सभी का एक बार फिर दिल का धन्यवाद।